हाउ टू रिसेट फोटोशॉप सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। मेरा आज का वीडियो फोटोशॉप सेटिंग को लेकर जुड़ा है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह एक क्लिक करके फोटोशॉप की सभी सेटिंग को रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं जो आप सभी के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फोटोशॉप का यूज करते हैं, और फोटोशॉप का यूज करते करते बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कभी टूल चला जाता है, कभी किसी टूल में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कभी उनका टूल सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम फोटोशॉप के अंदर आती जाती है, तो ऐसे में सभी का दिमाग खराब हो जाता है कि कोई उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता। हालांकि फोटोशॉप में जो भी चीज़ें होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, बिना रिसेट करे भी ठीक हो जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ फोटोशॉप की उस डिफॉल्ट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे आप मात्र एक क्लिक करके डिफॉल्ट कर सकते हो। यानी जब आपने फोटोशॉप फर्स्ट टाइम ओपन किया था, आपका फोटोशॉप ठीक उसी सेटिंग में ओपन होगा जब आपका फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम फोटोशॉप की सेटिंग को किस तरह रिसेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ फोटोशॉप CS3 खोल रखा है। आपका कोई सा भी वर्जन हो, 2015 हो, 2017 हो, 2018 हो, सबका एक ही मेथड है, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं इस फोटोशॉप को यहाँ से बंद कर रहा हूँ। फोटोशॉप को बंद करने के बाद आपका डेस्कटॉप पे उसका आइकन होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ मेरा डेस्कटॉप पे भी आइकन नहीं है, तो मैं फिलहाल फोटोशॉप का यहाँ आइकन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ स्टार्ट बटन पर जाता हूँ, और प्रोग्राम पर जाता हूँ, और यहाँ मेरा फोटोशॉप CS3 पड़ा होगा। ये देखिए फोटोशॉप CS3, तो मैं इसे राइट क्लिक करके सेंड टू और डेस्कटॉप पे इसे क्लिक कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक करते ही देखिए इसका आइकन यहाँ बन चुका है, ये इसका आइकन है। अब हमें फोटोशॉप की सेटिंग रिसेट करने के लिए कीबोर्ड से आपको शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट का बटन दबा के रखना है। ध्यान रहे, आपको शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट इन तीनों बटन को एक साथ दबा के रखना है। तो मैंने कीबोर्ड से तीनों बटन को एक साथ दबा दिया है। अब मैं इस आइकन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और देन ओपन पे क्लिक करूंगा। ओपन पे क्लिक करते देखिए मेरे सामने एक मैसेज आ चुका है। अब आप कीबोर्ड से जो आपने बटन दबा रखे थे आप उन्हें छोड़ दीजिए। अब इसमें जो मैसेज है, डिलीट द एडोब फोटोशॉप सेटिंग फाइल, तो आप सीधा यस पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करते ही आपकी जितनी भी फोटोशॉप की प्रॉब्लम है वो मात्र एक क्लिक करके सोल्व हो जाएगी। यानी ये जो फोटोशॉप की सेटिंग है बाय डिफॉल्ट वैसे की वैसी आ जाएगी जैसा आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था। देखिए पूरा का पूरा वैसे ही आ चुका है जब आपने फोटोशॉप इंस्टॉल किया था। तो काफ़ी लोगों को फोटोशॉप में इस छोटी मोटी समस्या को लेकर दिक्कतें आती रहती है। मेरा वीडियो देखने के बाद वो फोटोशॉप की सेटिंग को बहुत ही आराम से रिसेट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, आपको डेस्कटॉप पे सबसे पहले आइकन बनाना है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट का बटन एक साथ दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आपको इस आइकन पे राइट क्लिक करना है और देन ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करते ही आपके सामने यस या नो का मैसेज आएगा, आप यस करिए। यस पे क्लिक करते ही आपकी फोटोशॉप की सभी सेटिंग रिसेट हो जाएगी। तो ये छोटा सा वीडियो था जो आपको यह बताने के लिए तैयार किया कि आप फोटोशॉप की सेटिंग को किस तरह रिसेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, खासकर उन लोगों को जो फोटोशॉप की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेरा वीडियो देखने के बाद फोटोशॉप की सभी सेटिंग को रिसेट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई इसी तरह फोटोशॉप की सेटिंग को रिसेट कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।